ये लड़का कुछ करतब करने लगा था, कर कर कहा कैसे करना है। रोटी नहीं खाना। आंखें रेड हो गई इसकी बेचारे का, आ गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहे हैं तकरीबन 1:30 बज चुका है। तो कल जिस जो हेडफोन हम ढूंढ रहे थे ना, तो वो आज मिल गए, तो अम्मी ने वो ढूंढ के दे दिए हैं। तो ये हेडफोन जो मिल चुके हैं, तो दोनों ही मिल गए हैं, एक मुनीब का है और एक मेरा है। तो इसमें से ये नहीं पता मुनीब का कौन सा है और मेरा कौन सा है। ये बस दोनों ने अभी चेक करते हैं अपने कंप्यूटर पे लगा के, ठीक है कि नहीं ठीक। अभी इन्हें कंप्यूटर पे लगा के देखते हैं ठीक है कि नहीं ठीक। अगर तो ठीक हुए तो फिर मुनीब अपने फ्रेंड को दे देगा, अगर ठीक नहीं हुए तो फिर जहाँ पे पड़े थे वहीं पे वापस रख देंगे। अभी दोनों हेडफोन जो है मैंने चेक कर लिए हैं। तो ये जो वाले मेरे वाले थे ना, तो ये ठीक है, इनका अभी माइक नहीं मैंने चेक किया, बाकी इनके जो हेडफोन है जो स्पीकर है वो ठीक है। तो ये मुनीब वाला इसमें थोड़ी सी खराबी आ रही है, लेकिन ये भी ठीक हो जाएगा, तकरीबन दोनों ठीक है, मेरे वाला कुछ ज्यादा ठीक है। तो अभी फिलहाल जाना है अबू के साथ बाजार, अबू जी के साथ कुछ सामान वगैरह लेके आना। किस चीज के लिए लेके आना वो मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, इंशाल्लाह ताला टाइम आने पे बताऊंगा किस चीज है, कौन सी चीज ऐसी तैयार हो रही है जिसके लिए ये सामान लेके आना है। तो अभी जा रहे हैं अबू के साथ, तो सामान लेते हैं, बिजली का सामान और रेट पता करना। अच्छा चलो ठीक, बात सही करना। सही है, सही ठीक। चले जी गए, अभी चलते हैं बाजार, पता करके आते हैं। वैसे मुनीब अभी दोबारा ना छत पे चला गया स्पीकरों के माइक चेक करने के लिए, तो वो कर ले, दूसरे पूरे से टन टन लगाइए। तो यहाँ पे अभी ताला लगा, ताला भी नहीं खोला, अभी ताला खोल लेते हैं। बाकी सारी चीजों का बाजार से पता कर लिया, तो अभी आ गया सरिये वाली दुकान से, तो मेरी आंख में पता नहीं क्या डल गया। तो यहाँ पे सरिये का रेट पता करते हैं, काम वगैरह करके अभी हम आ गए हैं घर। तो अभी खा लेते हैं खाना। खाने में जी आज चना की दाल तो काफी ज्यादा देखने में तो मजेदार लग रही है, तो अभी खा लेते हैं खाना। तो कह रहा अभी मैंने नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, तो अभी टाइम जो हो रहा है अभी हो गए हैं 5:10 हो गए, तकरीबन 5:15 हो गए हैं। तो हमारा प्रोग्राम बना है फ्रेंड के साथ, तो गाँव जाने का, गाँव जा रहे हैं हम। गाँव हमारे पुराने खेत थे ना जो मैं पिछले साल गया था, तो अभी भी वहीं पे जा रहे हैं। तो वहाँ जाके हम बनाएंगे नूडल्स और चाय बना के पियेंगे, और आज की इवनिंग जो है वहीं पे गुजारेंगे और इंजॉय करेंगे सनसेट को। तो अभी चलते हैं, तो पहले मैं जो बर्तन साथ लेके जाने वो उठा लूँ कि कौन कौन से बर्तन हैं जो मैंने साथ लेके जाने। एक तो ये हो जाएगा, तो इस पे नूडल्स बन जाएंगे और चाय भी इसी में बन जाएगी, और रह गए हैं कप चाय वाले, तो वो कप भी यहाँ से उठा लेंगे। एक तकरीबन 3-4 कप ले लेते हैं साथ ही। तो ये सारा सामान ना मैं पैक कर लूँ, तो फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या लेके जा। अभी सामान जो है मैंने सारा पैक कर लिया, तो अभी दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। एक ये पतीला हो चुका, तो इसके साथ ये क्या कहते हैं, ढोलनी कहते हैं, क्या कहते हैं यार मुझे नाम भी नहीं आते इन चीज़ों के, तो कप्पा कहते हैं, कप्पा हो गया। और यहाँ पर रख दिया कप मैंने, ये हो गई पत्ती चाय वाली, और ये साथ गुड़ रख लिया है, तो गुड़ वाली चाय पियेंगे। वैसे तो मैं शक्कर ढूंढ रहा था, शक्कर मिली नहीं है, तो गुड़ मिला, तो गुड़ वाली चाय बनाएंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं रख लूँ। अभी मुझे याद आया कि चूज़ों को अभी दाना भी डालना है, तो पहले मैं जाकर चूज़ों को दाना डाल लूँ, तो फिर निकलता है इंशाल्लाह ताला। चूज़ों को भी मैंने दाना वगैरह डाल दिया, तो आज मैंने डाला ये इन्हें गंदम जो होता है ना दाना, वो डाला है। तो ये वैसे शौक से खाते नहीं है, तो ये खाते हैं सिर्फ बाजरा है, तो इतने माशाल्लाह बड़े हो गए, तो अभी भी बाजरा खाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये अब ना ये गंदम की तरफ कन्वर्ट हो, तो इन्हें ये दाना डाला करें। तो अभी मैं सारे फ्रेंड्स को कॉल वगैरह कर देता हूँ, तो सारे फ्रेंड्स आए, तो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं और जाके इंजॉय करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं ना किया, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट लाजमी करें। इंशाल्लाह ताला आपकी सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह कंटेंट भी आहिस्ता 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 बेहतर करेंगे। जिस तरह की आपकी सपोर्ट होगी उस तरह के इंशाल्लाह कंटेंट जो है बेहतर होता जाएगा। चूज़ों को दाना वगैरह डाल दिया, तो अभी ना कॉल करता हूँ, पहले मौसम को कॉल करता हूँ, तो उसे पूछता हूँ कहाँ है। अभी कॉल कर दिया मौसम को, बैलेंस ही मेरा खत्म हो गया, तो अभी सुबह तक था, अभी फिर बैलेंस खत्म हो गया, अभी क्या करें यार। तो अभी मैं मुजम्मल को कॉल करता हूँ, तो मुजम्मल को तो व्हाट्सएप कॉल चली जाएगी, तो मुजम्मल को कॉल करता हूँ। मुजम्मल को भी कॉल नहीं जा रही, अभी कॉलिंग आ रहा, कॉलिंग मुजम्मल के साथ भी मेरी बात हो गई है, तो वो आ रहा है, तो उसे ही मैंने कह दिया कि मौसम को भी कॉल करे, तो वो मौसम को भी कॉल कर देगा। तो अभी एक चीज़ रह गई दूध लाने वाला, तो वो जाते वक्त भी दूध ले लेंगे। तो अभी फिलहाल निकालते हैं बाइक वगैरह, तो निकलते हैं। अभी मुझे याद है माचिस रह गए, माचिस भी साथ लेके जाते हैं।
तो ये वाली ले जाता हूँ। और लकड़ी भी चाहिए, तो लकड़ी वहाँ से पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो यहीं से थोड़ी सी ले जाएंगे साथ अपने, वहाँ से पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, ऐसे मिल तो जाएगी, पता नहीं मिलती है कि नहीं मिलती, तो यहीं से भी थोड़ी सी ना यार इतना सामान मैं बाइक पर लेकर कैसे जाऊँगा, वहाँ से जाकर देखेंगे फिर लकड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर घर आ जाए बना के भी लेने। तो अभी मोहसिन कह रहा है कि 15 से 20 मिनट वेट करें तो फिर चलते हैं, तो फिर चलेंगे। जहाँ तक मोहसिन नहीं आता तो आपको एक चीज दिखाता है, ये लड़का कुछ कर्तव्य करने लगा है, कर कर खा कैसे करना है, हैं कर तो दे की करने लगा, देखते हैं अभी क्या करता है, तूने करना है यार तू कर, तो अभी देखते हैं क्या करता है ये। ओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दोबारा दोबारा हो जाए दोबारा हो जाए, जबरदस्त मजा आ गया मजा आ गया है, मतलब बोले मजा नहीं आ गया, अभी दोबारा दोबारा ले गया दोबारा ले गया, अभी दोबारा हवा बढ़वाने चला रहा है लड़का, तो काफी ज्यादा अच्छी तकनीक है, मैं बताऊंगा कि करते कैसे हैं तो दिखाऊंगा भी आपको करते कैसे। अभी ये लड़के दोबारा बोतल ना तैयार करके ले गया, अभी मैं दिखा दूँ करते क्या, तो इन्होंने ये ढक्कन के साथ ना वो नोजल लगा ली हुई है, तो जो ट्यूब के साथ लगी होती है, तो अभी ये करते हैं इसके अंदर हवा बढ़वा लेते हैं और पानी भर लेते हैं, तो उसके साथ प्रेशर बंदा अभी देखना क्या करता है दोबारा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया यार मजा आ गया, अच्छा चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल भी सब्सक्राइब किया, आप इसके भी बताएं, हाँ ब्रावो जी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, बस ठीक है आप भी आ रहे, आपने क्या अपने दोस्तों के को भी कहा करो जाके हैं, ठीक है मजा आ गया वैसे। तो अभी तकरीबन 15 मिनट हो ही गए हैं कि मौसम को कार करना थे, चलो 5 मिनट और देख लेते हैं तो फिर मौसम को कार करते हैं। फाइनली मौसम की कार आ गई है, तो अभी हम जाने लगे हैं, तो अभी टाइम क्या हो गया है 5:45 हो गए हैं, तकरीबन 6:15 हो गए, तो अभी चलते हैं तो मौसम को उठाते हैं। चलो ये वो जी मलक आ रहा है, वो सामने आ रहा है, आलू भी पालने हैं, हाँ कर दे रहे हैं, दूध भी लेना, दूध किधर से लेना है, तुझे लाना चलो फिर। अभी मैं दमल गया दुकान पे दूध लेने के लिए, तो दूध लेके आता फिर चलते हैं, हो जाएगा ठीक है। बिस्किट भी ले ला, मैं केक रस ले लिए, हैं कदे लेने बिस्किट खुले गए यार, केक रस ले लैने, केक रस कर दो पजावा, हाँ चले जी गए दूध भी ले लिए और केक भी ले लिए, केक रस, तो चलते हैं आप गाँव सीधा। Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no... जाना था तो यहाँ पे से तो रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि जा रही है को बहुत ज्यादा आ गई है यहाँ पे, तो यहाँ से हम आए तो यहीं पे लगा लेते हैं, ईंटे भी यहाँ पे हैं तो यहीं पे लगा लेते हैं, तो यहाँ पे वैसे बंदा भी कोई नहीं है, वैसे सामने कब्रिस्तान है तो कोई नहीं, खैर है तो यहीं पे लगा लेते हैं, महफूज है जगह ठीक है, इधर खेत है हमारे और इधर से रास्ता वैसे ही बंद है और इधर से रास्ता, लकड़ी वगैरह भी ढूंढनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए आग जलाने के लिए, तो वो सामने सूखा दरख्त है, अभी यहाँ पे चूल्हा ना वो बना लेते हैं कोई साफ सी जगह में। चले जी चूल्हा जो हमारा बन चुका है ठेस रहा है, गिरना जाए और बर्तन भी रख लिया, अभी सूखी घास है ना, ये बड़ी ये ले लो यार, ये घास सूखी थोड़ी थोड़ी, अभी दूध डालने लगे हम इस बर्तन के अंदर, चले जी दूध डल चुका है, बढ़ जाना भाई ये थोड़ा बाहर काट घास, पहले थोड़ी सी घास थोड़ी थोड़ी डाल दें अंदर, हाँ थोड़ी थोड़ी करके यार, अग ते लान दे रुक, चलो
अग फैलनी है इनू अभी मैं देखता हूँ कोई लकड़ी यहाँ से मिल जाए ना जो कोयला बने जिसका, तो वो लकड़ी ढूंढने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, अगर मिल जाए तो। वैसे वहाँ पे बादल भी ये जो आ गए हैं और सूरज भी डूबने ही वाला है, तो हम यहाँ पे लेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो ये लकड़ी मुझे मिल गई है, लकड़ी मिल गई है तो इसे तोड़ तोड़ के ना हलो लकड़ी लाओ। वो बाहर आ गई सारी आग, बहुत ज़्यादा आग है अंदर, ज्यादा पाई जाना ज्यादा कुछ अंदर पाता। रोटी नहीं खाना हवा निकल गई उधम साथ ही ये बहरी है छोटी सी नहर, और साथ ही हमने वहाँ पे चाय पका रहे हैं और यहाँ पे नहर जो है वो बहरी है। इसकी आग जो ना बाबर बुझी जा रही है, क्योंकि ये एक लकड़ी नहीं ना, वो घास ही है, घास फूस, उसकी साथ हम पकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ना आग नहीं अभी इसे लग रही ज़्यादा मुसलसल, तो लकड़ी को ज़्यादा देर लगेगी तो उतनी टाइम है नहीं हमारे पास। तो अभी और भी घास मैं ना मैं यहाँ से इकट्ठी कर दूँ ताकि हमारी चाय पक जाए यहाँ से। मैं तकरीबन 6 चमचियाँ वहाँ आप ही होना दंद रहा पाली कि सारी पा सारी ना भाई, चल पा दे फिर बिस्मिल्ला पढ़ के पिला गए बस। ठीक है चले जी, पत्ती डल गई है। मलक जो ना हमारा एक्सपर्ट बंदा है चाय का, इसलिए इसे कहा है बनाने के लिए चाय। ये सूखी झाड़ी यहाँ पे पड़ी है, ये भी यहाँ से ले लेते हैं, बस मुझे डर है कि सांप वगैरह ना हो यहाँ पे, तो ये ले ले। वैसे अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 6:22 हो गए हैं, और तकरीबन 7:45 जो है ना वो मगरब की जाने हो जाती है, और सूरज भी वो सामने डूब रहा है अभी। तो यहाँ पे जो चिड़िया वगैरह है और कब्बे वगैरह है यहाँ पे अभी बोल रहे थे, तो अभी चुप कर गए। खैर तो गुड़ भी डाल दिया मुदम्मल ने, सारे डाल दिया। चलो जी यहाँ पे आज तजर्बा ही हो रहा है कि पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो वैसे हम भी तजर्बा ही करने आए थे यहाँ पे, एक इवनिंग इंजॉय करने आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मलक मौसम साहब ना फुल मेहनत कर रहे हैं चाय बनाने के लिए, तो मुजम्मल भी साथ, ये धुएं के आगे बेचारा बैठ बैठ के ना आँखें दिखाना, आँखें रेड हो गई हैं इसकी बेचारे की। अभी फाइनली जो हमारी चाय है वो पक गई है, तकरीबन आखिरी जो है ना वो हम दे रहे हैं, तो आखिरी लमाद में है, तो अभी चाय पक गई तकरीबन। अरे चुकला टकरा चुकला अल्लाह फर हर की। ये देखें जी चाय पक चुकी है और इसे बाले भी काफी ज्यादा आ गए हुए हैं। ओए क्या ओए मेरे पैर आ सिटा दे अंदर गरम क्यों पागल है, गरम पकड़ लिया थी ओए। हां दूध खराब सी, दूध खराब हो गया हां आलो नहीं, ये कैसे खराब हुआ है, दूध खराब आ गए फुटियां हीयां बन गईयां, ये किस चीज ने खराब हुआ, दूध खराब हमारा जो दूध है वो खराब हो गया, चाय खराब हो गई है,
यार इतनी हमने मेहनत की है तो सारी चाय खराब हो गई। खराब हुई कैसे यार? फुटियां ये बन गई। हाँ फुटियां तो बन गई, ये तो नजर आ रही, सारा रंग ही खराब होया बड़ा चाय का। दूध खराब देखे नहीं आप, सारी मेहनत हाथ जला ले, ये मेहनत खराब हो गई, सारी मेहनत खराब। इतनी हमने मेहनत की है यहाँ पे आगे चाय बनाने के लिए और इतना दूध लिया, सारा जाया गया। अपना कसूर आपने वेख्या नहीं, दूध दूध खराब होया कि पहले खराब सीगा? पता नहीं, हुई है नहीं पता भरावा, आपा कहना तीनियां जरा दस दिए। चले जी गाइस, आज का जो हमारा एडवेंचर है ना तो वो तो गया खराब, हमारा दूध ही खराब हो गया। तो ये पता नहीं अब किस चीज़ का मसला था, दूध का मसला था कि किस चीज़ का मसला, अब ये नहीं पता, सारा खराब हो गया। अभी जो है ना चाय हमने फेंक दी है पानी में, सारा खराब हो गया। तो जितना भी हमने सोचा था ना, ये चेक करें पतीले का सारा ना, मेरा दूध बंदा चाय होंगे। इतना मैंने मूड बनाया हुआ था ना कि आज चाय पियेंगे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, सारी खराब हो गई है, सारा मूड खराब हो गया। इतनी ज़्यादा मेहनत की थी हमने और सारा कुछ खराब हो गया। जो बचा है वो खा लेते हैं, केक रस वगैरह, तभी जितनी भी आएगा ना वो सारी बुझा दिया। कैसी फीलिंग है यार? सैड सैड, मतलब बस यार बहुत सैड, मेहनत इतनी ज़्यादा की थी सारी जाया हो गई, सारा दूध खराब हो गया। कसम से मेरा इतना मूड बना हुआ था ना, मैंने कहा आज फिर चाय पी लेंगे, बड़ा मजा आना था यार। इतनी मेहनत करके हमने चाय बनाई और चाय हो गई खराब, सारी दूध ही फूट गया सारा। तो वैसे आग भी हमने सारी बुझा दी है, तो अभी अपने बर्तन वगैरह भी इसमें लेते हैं और यहाँ भी जो चीज़ साथ लेके आए थे वो खा लेते हैं, सारा मूड खराब हो गया। अभी हमारा प्रोग्राम बनाया, हम यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ पे अंधेरा हो रहा है और चीज़ें मुझे जानवर निकलने का ज़्यादा खतरा है, तो अभी हम भी निकलने लगे हैं, तो बिस्किट वगैरह हम फिर बाद में खा लेंगे, तो अभी चलते हैं यहाँ से। चलिए जी गाइस, अभी हम आ गए हैं यहाँ पे समुद्री पार्क में, तो यहाँ पे बैठ के अपने जो है बिस्किट वगैरह खाते हैं और थोड़ा सा इंजॉय माहौल करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अभी चाय तो रात को ही पियेंगे फिर बाद में, तो अभी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था चाय पीने का, लेकिन बस क्या करें खराब हो गई। अभी ये खा लेते हैं केक रस। चले गए अभी चलते हैं घर। ओके मलिक साहब, थैंक यू, इंशाल्लाह रात को मिलते हैं फिर। चले जी गए, फाइनली घर पहुंच गए, तो अभी मुझे बर्तन भी ना सारे साफ करने पड़ेंगे, चाय तो पीनी भी, तो ये बर्तन चेक करें कितना काला हो गया, तो अभी ये साफ करना पड़ेगा और अंदर से भी सारा साफ करना पड़ेगा। अभी मैं इसे साफ कर देता हूँ, बर्तन भी मैंने अच्छी तरह से साफ कर दिया सारा। गए तो अभी टाइम हो चुका है 12:22, तकरीबन 12:30 हो गए, तो अभी मैं बैठा यहाँ पे व्लॉग एडिट कर रहा था, तो बाकी आगे का व्लॉग मैंने किया नहीं क्योंकि ये व्लॉग ही काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो बाकी में मैंने डाला ही नहीं है, तो मैंने कहा यही व्लॉग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि यह आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग है, छोटा सा व्लॉग तो है नहीं, तो उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो हम चाय पीने गए थे, तो चाय वाला जो भी सीन था वो आपने देख लिया, पता नहीं अब चाय ख़राब हुई थी कि नहीं हुई थी, अगर हुई थी तो आपने कमेंट करके बताना कि चाय ख़राब थी या कुछ और था, तो हमें लगा कि चाय ख़राब थी इसलिए हमने फेंक दी। नीचे कमेंट करके बताइएगा चाय वाकई ख़राब थी कि नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।